ये जो आपका आमरण अनशन है ये पिछले 10 दिनों से चल रहा है, तो इसमें अभी आपको शारीरिक क्या कमजोरी महसूस हो रही है, कितना आपका वजन गिरा है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल वगैरह बताएंगे। मेरा 15 किलो के करीब वजन कम हुआ है और कुछ कमजोरी तो महसूस हो रही है, चक्कर वगैरह आने लगे। अभी राजनीतिक तौर पे आपसे मिलने के लिए कोई सरकार की तरफ से आपसे कोई वार्ता करने के लिए आया है, नहीं, वार्ता करने के लिए मेरे को कोई नहीं आया। और हॉस्पिटल की तरफ से आपको कोई फैसिलिटी वगैरह के अंदर कोई दिक्कत, हॉस्पिटल का स्टाफ देखिए बहुत बढ़िया, अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। कॉपरेट हो रहा है अभी। पुलिस प्रशासन भी अच्छा कोऑपरेट कर रहा है मेरे साथ। और ये समिति को और शहरवासियों को आंदोलन के लिए कोई संदेश वगैरह देना चाहेंगे यही आप? देना चाहूँगा, मैं अपने शहर से उत्तराखंड के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि सब मिलके अपने शहर को एकजुट होके जिला बनाने का प्रयास करें, इधर उधर ना करें, सारा एक होके जिला बनाएं। मेरे सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस शहर को जिला बनाने के लिए सिर्फ एक ही नारा हो, जिला बनाओ। यही मेरे सूरतगढ़ से सभी बिहारी भाइयों से, सूरतगढ़ जिले तहसील से नहीं पूरे जिले को ही मानता हूँ, इस जिले से ही मेरी कामना है कि आप सब एक होके काम करें। आहुति देनी पड़ेगी, मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हूँ, पर मेरे शहर सूरतगढ़ को जिला बना के ही मैं अपने प्राण, अगर आप बचाना चाहते हो गहलोत साहब से मैं एक ही गुजारिश करूँगा, अगर मेरे को आप बचाना चाहते हो, इस राजस्थान के बच्चे को अगर आप बचाना चाहते हो तो मेरे शहर सूरतगढ़ को जिला बनाओ। आपने 19 जिले बनाए तो एक सूरतगढ़ भी तो जिले के योग्य है, प्लीज़ उसको जिला बनाओ। गहलोत साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे शहर सूरतगढ़ को जिला बनाओ।